स्टूडेंट्स, तो साइकेड के चैप्टर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लेक्चर सेकंड में आपका स्वागत है। आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बेसिकली कंटेन करता है दो चीजों को। हम ब्रीथिंग की अगर हम बात करें तो ब्रीथिंग में दो चीजें हमारी इन्वॉल्व होती हैं, एक इंस्पायरेशन एंड द सेकेंड इज एक्सपायरेशन। द सेकेंड इज एक्सपायरेशन। सो द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ एयर बिटवीन एटमोसफियर एंड द एल्विओलाई ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग की डेफिनेशन, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द एयर, यानी कि एटमोस्फेरिक एयर का हमारे लंग्स में इंस्पायर होना और हमारे लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपायर होना, इसी प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। एंड ब्रीथिंग इज अफेक्टेड बाय द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लंग्स। ब्रीथिंग इज अफेक्टेड बाय द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लंग्स। जैसे हमारे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा और घटेगा, वॉल्यूम जैसे इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, उससे हमारी ब्रीथिंग पर अफेक्ट पड़ेगा। लंग्स आर कॉन्ट्रैक्टेड बाय टू प्रोसेसेस। लंग्स कितनी प्रोसेसेस से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? दो प्रोसेस से। और इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, दोनों ही प्रोसेस किस पर डिपेंड होती है? प्रेशर ग्रेडियंट पर। दोनों ही प्रोसेस प्रेशर ग्रेडियंट पर डिपेंड होती हैं, प्रेशर ग्रेडियंट पर डिपेंड होती हैं। ओके, सो प्रेशर ग्रेडियंट क्या है? जैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ऐसे ही प्रेशर ग्रेडियंट है। प्रेशर ग्रेडियंट यानी कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ गैसेस का फ्लो होना। प्रेशर ग्रेडियंट इज हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर गैस का फ्लो होना ही प्रेशर ग्रेडियंट है। तो दोनों ही प्रोसेस इंस्पायरेशन एज वेल एज एक्सपायरेशन इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमोस्फेयर। लंग्स और एटमोस्फेयर के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट बनता है जिससे इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन होता है, यानी कि ब्रीथिंग होती है। तो देखते हैं इंस्पायरेशन क्या है और एक्सपायरेशन क्या है। इंस्पायरेशन इंक्लूड मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड इज एन एक्टिव प्रोसेस कंज्यूमिंग मैकेनिकल एनर्जी। इंस्पायरेशन एक मसल कॉन्ट्रैक्शन है जो एक्टिव प्रोसेस है, जल्दी होने वाली प्रोसेस है जो कंज्यूम करती है मैकेनिकल एनर्जी को। इट टेक प्लेस द प्रेशर विद इन द लंग्स बिकम लेस देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर। इसमें क्या होता है? ये इंस्पायरेशन की कंडीशन है। ये क्या है? ये इंस्पायरेशन की कंडीशन है कि इसमें क्या होता है कि लंग्स के अंदर का प्रेशर कम होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर से, और जो लंग्स के अंदर का प्रेशर होता है, प्रेशर विद इन द लंग्स, उसको हम कहते हैं पल्म्यूनरी प्रेशर। उसको हम कहते हैं पल्म्यूनरी प्रेशर। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर। पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब इंस्पायरेशन की जब प्रोसेस होती है, जब हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो होता क्या है? तो जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, तो मैंने पिछली आपने अगर पिछला लेक्चर वन देख रखा है इसका, तो मैंने बताया था कि डायफ्राम एक डोम शेप स्ट्रक्चर होती है, कुछ इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, वो इंटरकोस्टल मसल क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक्सपेंड होती है। तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द डायफ्राम मस्कुलर पार्टीशन ऑफ वॉल विच सेपरेट थॉरेक्स एंड एब्डोमन। मस्कुलर पार्ट वॉल का जो थॉरेक्स और एब्डोमन को सेपरेट कर रहा है, और कुछ इंटरकोस्टल मसल रिब्स के बीच की मसल, ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ये क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। बेसिकली आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बच्चे समझते हैं कि उसका छोटा होना, ऐसा नहीं है। डायफ्राम के केस में क्योंकि वो ऐसी शेप का होता है, डोम शेप का, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट होना ऐसा होगा, यानी कि फैलना होगा, यानी कि जैसे आमतौर पर रिलैक्सेशन आपको लगेगा, ऐसे में कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो बेसिकली क्या होता है, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं इंस्पायरेशन की प्रोसेस में। दिस रिजल्ट इन पुलिंग ऑफ रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। इससे क्या होता है? इससे जो हमारी रिब्स होती हैं वो अपवर्ड, ऊपर की तरफ, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ पुल होती हैं, जिससे क्या होता है, थोरेसिस चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और थोरेसिस चैम्बर का वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा, तो सीधे सीधे लंग्स वॉल्यूम इंक्रीज होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। एज अ रिजल्ट स्टर्नम कॉज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस, इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस चैम्बर। स्टर्नम क्या करती है? स्टर्नम थोरेसिस चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ा देती है इन द डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस।
डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज होगा। डोर्सो वेंट्रल एक्सिस क्या है? डोर्सल और वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यानी वर्टिब्रा और स्टर्नम के एक्सिस पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इफ देयर इज एन ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिस वॉल्यूम कॉज एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। ये जैसे कि मैंने बताया कि थोरेसिस वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज प्रेशर विद इन द लंग्स। प्रेशर विद इन द लंग्स, लंग्स के अंदर के प्रेशर को इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कहा जाता है। क्लियर? तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, थोरेसिस वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और अगर पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा, लंग्स के अंदर का प्रेशर डिक्रीज होगा। जब लंग्स के अंदर का प्रेशर डिक्रीज होगा, एटमोस्फेयर का प्रेशर उसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, तभी इंस्पायरेशन होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन बिल्कुल इंस्पायरेशन का अपोजिट होगा। एक्सपायरेशन में क्या होगा? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो चलिए देखते हैं, व्हेन द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल अकर रिलैक्स। इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, एक्सपायरेशन में रिलैक्स होंगी। द डायफ्राम एंड स्टर्नम कम बैक टू देयर नॉर्मल पोजिशन। डायफ्राम और स्टर्नम अपनी नॉर्मल पोजिशन में आएंगी। इट रिड्यूसेस द थोरेसिस वॉल्यूम एंड द पल्मोनरी वॉल्यूम। इससे क्या होगा? इससे थोरेसिस वॉल्यूम और पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जिससे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा। इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर। ये थोड़ा सा ही एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं आता कि हमारे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमोस्फेयर के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट करता है, ऐसा नहीं होता। स्लाइटली ग्रेटर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर कॉजिंग द एक्सपल्शन ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स, विच इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। इससे क्या होगा? जब अंदर का प्रेशर, हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हमारे लंग्स की एयर क्या होगी? एटमोस्फेयर में रिलीज होगी, विच प्रोसेस इज नोन एज एक्सपायरेशन। तो चलिए अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। ये जो प्रोसेस है, ये इंस्पायरेशन की प्रोसेस है और ये एक्सपायरेशन की प्रोसेस है। तो इंस्पायरेशन में क्या हो रहा है? इंस्पायरेशन में इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम है, एटमोस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है। लार्जर वॉल्यूम, लोअर एयर प्रेशर बिलो द एटमोस्फेयर। क्लियर? और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या हो रही है? आउटवर्ड एंड अपवर्ड। आउटवर्ड एंड अपवर्ड, ये इंटरकोस्टल मसल आउटवर्ड और अपवर्ड वॉल्यूम को इंक्रीज कर रही है। रिब्स आउटवर्ड की तरफ मूव कर रही है, और डायफ्राम क्या हो रहा है? फ्लैटेंड हो रहा है। डायफ्राम फ्लैटेंड हो रहा है, इसकी शेप डोम शेप होती है और ये कॉन्ट्रैक्ट होकर फ्लैटेंड होता है। कॉन्ट्रैक्ट होकर फ्लैटेंड होता है, जबकि एक्सपायरेशन में ठीक इसका अपोजिट होगा। एयर बाहर की तरफ जाएगी और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। डायफ्राम वापस से अपनी डोम शेप को ऑब्टेन करेगा, यानी कि डायफ्राम रिलैक्स होगा। रिब्स और स्टर्नम इंटरकोस्टल मसल इनवर्ड और लोअर साइड की तरफ मूव करेंगी, यानी कि अपनी नॉर्मल पोजीशन की तरफ मूव करेंगी, रिलैक्स होगी। दिस इज नोन एज एक्सपायरेशन और ये इंस्पायरेशन। तो चलिए आगे देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन द एब्डोमेन वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। कुछ एडिशनल मसल होती है हमारे एब्डोमेन में, जिनकी मदद से हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग, एक हेल्दी पर्सन 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, 12 टू 16 टाइम्स पर मिनट नॉर्मली ब्रीथिंग करता है, विच मींस कि वो नॉर्मली 10 लीटर पर मिनट ब्रीथिंग करता है। 10 लीटर पर मिनट वो ब्रीथिंग करता है, और जो एपरेटस हमारी ब्रीथिंग को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है वो स्पायरोमीटर या रेस्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर नेम एनसीईआरटी में मेंशन है और रेस्पायरोमीटर भी इसका दूसरा नाम है, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। क्लियर? तो ये टॉपिक था हमारा पूरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, पूरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ दो प्रोसेस है, इंस्पायरेशन एंड
एक्सपायरेशन। सबसे पहले इसमें दे रखा था क्या, इंस्पायरेशन कैसे होता है, एक्सपायरेशन कैसे होता है, डिपेंड किस पर करता है, डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट पर। किस पर डिपेंड करेगा, प्रेशर ग्रेडियंट पर। चलिए तो आज की क्लास में फिलहाल के लिए इतना ही। लेक्चर इस चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्दी हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप सीधे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, या उसके अलावा व्हाट्सएप लिंक आपको एक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस व्हाट्सएप पे सीधे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ लिख के भेजना है हाय साई एकेडमी, हम आपको जल्दी ही उसका रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेंगे। तो जब तक के लिए गुड लक, पढ़ाई करते रहिए।